नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी पढ़ाई चल रही है? बारिश एंजॉय किया और भीगे थे? अच्छा, बारिश में आपको ठंड लग गई। मम्मी ने ठंड भगाने के लिए क्या किया? अच्छा, हीटर जलाया। पहले के ज़माने में ये सब हीटर नहीं होता था, पता है? जैसे आप टापड़ी करते हो ना आग जला के, वैसे पहले ज़माने में आग जला के ठंडी हो जाते थे, अपनी अपनी ठंड को कैसे भगाते थे आग जला कर, है ना? और आपको पता है कि आग कैसे आई, इसकी खोज कैसे हुई? अरे रे, मैम तो आग के बारे में बताने लगी। हाँ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? आग की खोज। और इसका हम लोग सबसे पहले रीडिंग करेंगे, जानेंगे इसका सही उच्चारण क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वीडियो देखेंगे। तो आप सेट है अपने टेक्स्ट बुक के साथ, जिसका शीर्षक क्या है? आग की खोज। चलिए स्टार्ट करते हैं आग की खोज। तो बच्चों, आप सेट हैं अपनी टेक्स्ट बुक के साथ, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आग की खोज। हजारों वर्ष पहले की बात है, तब दुनिया इस रूप में नहीं थी। चारों ओर घने जंगल थे, जिसमें भयानक जानवर रहते थे। आदमी भी जंगल में रहता था। वह भोजन की खोज में जगह जगह भटकता, जानवरों को पकड़ता और उनका कच्चा मांस खाता था। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। जानवरों को मारने के लिए उसने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करने चाहे। जब उसने पत्थर से पत्थर मारा तो चमक निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर से जब उसने पत्थर मारा तो कुछ चिंगारियां जाकर नीचे गिरी, जिससे घास जलने लगी। आदमी उसे अचरज से देखने लगा। उससे रोशनी और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। अब आदमी बहुत खुश हुआ। उसे सर्दी से बचने का एक उपाय मिल गया था। उसने उस आग को बुझने नहीं दिया। एक दिन जब वह आग के सामने बैठकर कच्चा मांस खा रहा था, तब अचानक एक मांस का टुकड़ा आग में गिरकर भुनसा गया। उसने उसे उठाकर खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। वह बहुत खुश हुआ। अब तो आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और तेज हुई। इस तरह मनुष्य ने आग की खोज की। आग का तो पता चला और उसकी उपयोगिता भी, मगर उसे जलता कैसे रखें, यह प्रश्न आदमी के सामने एक समस्या की तरह खड़ा था। उसने एक पत्थर को दूसरे से रगड़ा तो आग उत्पन्न हुई। कई बार ऐसा करने पर आदमी इस नतीजे पर पहुंचा कि पत्थरों को आपस में रगड़ने से वह जब चाहे तब आग पैदा कर सकता है। वह चकमक पत्थर था और उसे आदमी ने बहुत ज्यादा संभाल कर रखा। धीरे धीरे आदमी को यह पता चला कि आग को केवल पत्थर से ही नहीं बल्कि लोहे पर रगड़कर भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह आदमी ने सरलता से आग पैदा करने का तरीका अपनाया। आज भी गांव वाले इस प्रयोग को काम में लाते हैं। वे बांस की नली में लोहे को रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर
उसके बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा में दिया सिलाई का एक मशहूर कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत ही सरल काम हो गया है, पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी जीत है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी जीत है। सीख: आग की खोज ने मनुष्य के जीवन को आसान बनाया है। मैं दोहरा रही हूँ फिर से, सीख: आग की खोज ने मनुष्य के जीवन को आसान बनाया है। तो यह था हमारा रीडिंग का पार्ट, आग की खोज। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग और इसके शब्द उच्चारण, नए शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। ये पाठ आप दो बार दोहराएंगे और नए शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? और चाहे तो बारिश में भीगेंगे पर ज़्यादा नहीं। हैप्पी मॉनसून चिल्ड्रन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार बच्चों।